हेलो गाइस, नमस्कार। डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? संजय कोठारी, अशोक मलिक, कपिल देव त्रिपाठी, राहुल सचदेवा। तो ये संजय कोठारी हैं जिनको जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 फरवरी, 20 मार्च, 26 अप्रैल, 10 मई। तो ये हम लोग जो है 26 अप्रैल को अभी हाल ही मनाए। तो विश्व बौद्धिक संपदा क्या है? बौद्धिक संपदा वह संपदा है जो आप अपने बुद्धि और विवेक से किसी भी वस्तु के आविष्कार या खोज करते हैं। वह संपदा आपकी कैसी संपदा होती है, या किसी पुस्तक की रचना करते हैं, किसी कला पेंटिंग, तो ये सब आपकी बौद्धिक संपदा के रूप में आता है। किस देश ने नौसेना ने 25 अप्रैल को 2020 उत्तरी अरब सागर में पोतरोधी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो ये जो है पाकिस्तान है जिसने इस तरह के परीक्षण किया है। विश्व मलेरिया दिवस से किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 10 जनवरी, 25 मार्च, 25 अप्रैल। तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड 19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। तो ये आपको बता दूँ कि विश्व बैंक ने कहा है कि इस वर्ष यानी आने वाले वित्तीय वर्ष में जो कमोडिटी मार्केट है या फिर जितनी कीमती धातुएं हैं सबकी जो है कीमतों में भारी गिरावट आने की संभावना है। और उसका रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में मांग में भी कमी हुई है, साथ ही साथ प्रोडक्शन भी प्रभावित है। हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फ्लू के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हुई है? बिहार, पंजाब, असम, तमिलनाडु। ये जो है असम का स्थिति है। आपको बता दूं कि जैसे स्वाइन फ्लू जो है वो पक्षियों से और मानव का ही प्रभावित करता है, लेकिन जो क्लासिकल स्वाइन फ्लू है ये सिर्फ सुअर को ही प्रभावित करता है। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? मणिपुर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। तो ये मणिपुर में मनाए जाते हैं जो कि अंग्रेजों और वहाँ के स्थानीय शासक के संघर्ष के याद में एक खोंगजोम युद्ध जो हुआ था उस युद्ध की याद में यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक सरकार ने कोविड 19 की सही जानकारी लोगों को मिल सके उसके बारे में और उनका सहयोग किया जा सके इसके हेतु आप्त मित्र जो है हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों लॉन्च किया है। इसके हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलती रहेगी। इसके लिए बेंगलुरु में सेंटर भी तैयार किए गए हैं। बिहार, त्रिपुरा किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया? तो ये जो झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो ये जो है तो पश्चिम बंगाल से पहले बिहार में 2013 से 14 तक रहे, 14 में जो है त्रिपुरा में रहे, फिर उसके बाद इसमें पश्चिम बंगाल में पोस्टेड है। तो जिनका निधन हो चुका है। किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, असम। तो ये आपको बता दूं कि ये आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है जिससे इसे लोगों पर नज़र आसानी से रखे जा सके। तो यह आज का रहा डेली करेंट अफेयर्स की श्रृंखला। ऐसे ही वहीं जुड़े रहें, तब तक के लिए नमस्कार।